नमस्कार दोस्तों, अगर आप होम लोन लेने की सोच रहे हैं तो आज मैं आपको बताऊंगा कि किस बैंक में सबसे कम लोएस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है। हम एनालिसिस करेंगे इंडिया के टॉप 10 बैंकों में कि उनमें रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या चल रहा है। एक चीज आप समझिए कि आज की डेट में रेट ऑफ इंटरेस्ट हर बैंक का लगभग 6.5 से लेके 7% के बीच में है मैक्सिमम स्टार्टिंग। फिर इसके साथ साथ जैसे जैसे आपकी रिस्क बढ़ती जाती है प्रीमियम बढ़ता रहता है। अब ये आपके सामने टेबल है, इस टेबल पे हम थोड़ा बहुत जिक्र कर लेते हैं। जो टॉप 3 बैंक है SBI, HDFC, ICICI तीनों की रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है 6.7%। बैंक ऑफ बड़ौदा, सिटी बैंक 6.75, कोटक महिंद्रा और पंजाब एंड सिंध बैंक 6.65, PNB, टाटा कैपिटल, यूनियन बैंक 6.8, सेंट्रल बैंक 6.85, LIC हाउसिंग फाइनेंस, एक्सिस बैंक, केनरा बैंक 6.90। अब ये तो हो गई इंटरेस्ट की बात, लेकिन अब मान के चलिए अब आपको होम लोन लेना है तो ये कैसे डिसाइड करें कि हम किस बैंक से लें। पब्लिक सेक्टर बैंक में जाएं, प्राइवेट सेक्टर बैंक में जाएं या NBFC में जाएं। अब इसके लिए काफी सारे क्राइटेरिया होते हैं, तो मेरा मानना ये है कि आप रेट ऑफ इंटरेस्ट के अलावा भी कुछ और कंडीशंस भी देखें जो कि हम आगे जिक्र करेंगे। सबसे पहले आप देखें प्रोसेसिंग फीस, फाइल चार्ज किस बैंक का सबसे कम है, किस बैंक में निल है, किस बैंक में आपको कोई भी चार्ज नहीं देना। फिर इसके बाद देखें, मान के चलिए आपको लोन जल्दी बंद करवाना पड़ा तो फोर क्लोजर पेनल्टी किस बैंक में कितनी है, क्योंकि कई बार क्या रहता है कई कई बैंकों में 5-5% फोर क्लोजर पेनल्टी होती है। उसके बाद आप अलग अलग पेनल्टी देखें कि ECS अगर आपकी ऐसा ही फेल हो जाती है तो कितनी पेनल्टी है, कभी आप एक दो EMI डिफॉल्ट करते हैं तो कितनी पेनल्टी है, अलग अलग पेनल्टियों की आप लिस्ट बना लें। अब मान के चलिए अगर आप लोन बैलेंस ट्रांसफर कराने की सोच रहे हैं, आपका लोन कहीं और चल रहा है लेकिन अब आप SBI या HDFC में टेक ओवर करवाना चाहते हैं, तो ये बात मान के चलिए अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 1% से ज्यादा हो डिफरेंस तो ही आप टेक ओवर कराएं, नहीं तो आपको फायदा नहीं मिलेगा क्योंकि इसके अंदर वैल्यूएशन, TIR इन सब के चार्जेस जुड़ जाते हैं। अब अप्लाई करने की बात आती है तो क्या करें। मेरा मानना यह है कि जब भी आप होम लोन के लिए अप्लाई करें दो बैंकों में एक साथ कर दें। सबसे पहली प्रेफरेंस आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रखें, फिर उसके बाद आप कोई भी एक बैंक चूज कर सकते हैं, पब्लिक सेक्टर या प्राइवेट सेक्टर बैंक। जब दोनों की फाइलों में एक साथ ही फाइल चलाएं, क्योंकि देखो वैल्यूएशन वाले की फीस और वकील की फीस ये आपकी एक ही बार लगनी होती है, तो दूसरे बैंक में आपको अलग से कोई फीस नहीं देनी, जो ऑलरेडी जिसने वैल्यूएशन और TIR रिपोर्ट बनाई हुई है उसी की एक कॉपी आप दूसरे बैंक में सबमिट करा दें। प्रोसेसिंग फीस लगभग हर बैंक में जीरो है आज की डेट में, तो क्या होगा कि आपके पास कुछ टाइम में दो सैंक्शन लेटर एक साथ होंगे, आप उनको देख लें, आपको जो ठीक लगे आप वहां पर मूव कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज मेरा वीडियो आप सोशल मीडिया पर शेयर करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करवा के रखें बैंकिंग रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए। धन्यवाद फ्रेंड्स।